मैं श्रवण सागर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। इस वीडियो में मैं मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा का 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था उसे बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 मानसिक योग्यता परीक्षा वर्ग 8 के लिए यह प्रश्न पत्र है। यह मैंने पिछले वर्ष जो विद्यार्थी परीक्षा दिया था उनसे लिया है। इसमें उसने चिन्ह लगा दिया है आंसर में जो कि सारा सही नहीं है, तो इसलिए आप अपने स्तर से उसे बनाएंगे। जो भी हल किया है वो सही, कुछ सही भी है कुछ नहीं भी है। मैंने इसे नहीं बनाया है इसलिए मैं इसके सही होने की पुष्टि नहीं करता हूँ। तो जो भी इसमें वो बनाया है तो कुछ सही भी होगा कुछ नहीं भी है, तो आप अपने स्तर से इसको बनाएंगे, रिवाइज करेंगे। तो आने वाला 2021 24 जनवरी 2021 को जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आइए आगे ले चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें किस तरह से भरना है वो सारा डिटेल दिया गया है। मैंने और भी वीडियो बनाया है उसमें सारा डिटेल बता दिया था, तो ये समझ गए होंगे। फिर भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसमें 90 प्रश्न है, ये मानसिक योग्यता परीक्षा का है। सभी प्रश्न में प्रत्येक में एक एक अंक निर्धारित है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका थोड़ा देर इसको होल्ड करता हूँ, इसको वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या है। ये उसी चीज को अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा गया है, जो अंग्रेजी माध्यम से होंगे उसको पढ़ लेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। ये यहाँ से रीजनिंग शुरू होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो आंसर में सही लगाया गया है निशान वो सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता। ये एक विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया है, मैंने इसे नहीं बनाया है इसलिए इसके सही होने की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आप इसको अपने स्तर से बनाएंगे, इस तरह से है। वीडियो रोक करके आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ, चार में से एक सही है, चार में से जो है तीन किसी न किसी एक तरह का है। यहाँ पढ़ सकते हैं आप, प्रत्येक समय चार प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से तीन किसी न किसी प्रकार आपस में समान है, एक भिन्न होगा वही उत्तर होगा। तो इस तरह के ये प्रश्न पूछे गए हैं। इस तरह के कितने प्रश्न पूछे गए हैं देख सकते हैं, 10 प्रश्न इस तरह से पूछे गए हैं। ये इस साइड इंग्लिश में दिया रहता है उसी को इधर हिंदी में दिया रहता है, तो जो अंग्रेजी मीडियम वाले होते हैं इधर से बनाते हैं, इस साइड से हिंदी मीडियम वाला के लिए ये है। इधर से ये क्वेश्चन है, ये 10 तक हो गया इधर। अब आगे चलते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं चोटी है, पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी, घाटी, इनमें कौन सबसे अलग है वही उत्तर होगा। तो इस तरह के प्रश्न कितने 15 पूछे गए हैं। इस तरह का बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो भी परीक्षा देने वाले हैं इसको ज़रूर निश्चित रूप से बनाइएगा। इस तरह के प्रश्न का पूरा अभ्यास कीजिएगा कि तीन किसी न किसी तरह से एक समान होगा एक अलग होगा, तो वो इस तरह का पूछा जाता है। 15 प्रश्न पिछले साल पूछा है। अब आगे 16 से 25 तक में देखिए, फिर इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं देख सकते हैं। ये यहाँ हो गया 19, इधर अंग्रेजी मीडियम वाला के लिए है। तो ये इस तरह से है, देखिए ये क्वेश्चन सब है। ये 2020 का है, 2020 में ये पूछा गया था। अब जो परीक्षा होगी तो वो 2021 में होगी, 24 जनवरी 2021 को, तो इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो ये इस तरह से है, 25 तक हो गया। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ये
बहुत सारे छात्रों के मांग पर मैंने 2020 का क्वेश्चन को बहुत खोजने के बाद मिला और इसे जो है वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं, फिर आगे 26 से 35 तक के लिए ये रीजनिंग है, इसको पढ़ लीजिएगा किस तरह से इसको बनाना है। ये इस तरह से है, ये चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये इसका आंसर दिया गया है, उसका आंसर इस साइड है। ये इस तरह से है, यहाँ बीच में डैश डैश दिया गया है, उसमें क्या भरा जाएगा इस तरह का है। अब इस तरह का रीजनिंग बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए और भी वीडियो मैंने बनाया है, उसमें बताया गया है कि इसको बनाएंगे कैसे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस पर हम फिर से वीडियो बना देंगे। तो ये इस तरह से देखिए, 30 से आगे इस तरह का रीजनिंग पूछा गया है। ये हो गया इस तरह का, देख सकते हैं। वीडियो रोक करके रीजनिंग को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद बनाइएगा। 36 से 45 तक का है, ये देखिए ऊपर में क्या है कि वर्ड मीनिंग दिया गया है, एक लेटर दिए गए हैं बहुत सारे, इसमें से इन्हीं लेटर का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बना है, कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, वो उसको चुनना है। देखिए ये दिया हुआ है, जरूरी कि इसमें जो चिन्ह लगा है वो सही बना है, क्योंकि एक विद्यार्थी के द्वारा बनाया गया है, तो आप अपने स्तर से बनाएंगे। इस तरह से है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, वीडियो रोक करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको प्रयास कीजिएगा। इस तरह के ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2021 में। 45 तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए नॉन वर्बल भी पूछा है, इसके नियम पढ़ सकते हैं कैसे बनाना है। 40 से 55 तक इस तरह के प्रश्न पूछे गए। ये इस साइड जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए, वही क्वेश्चन इधर हिंदी में मीडियम वाले के लिए, दोनों सेम चीज है। इसमें जो है ये क्वेश्चन आकृति, क्वेश्चन फिगर है, प्रश्न आकृति है, उसका आंसर ये, इस चारों में से इसका कोई, इसमें खाली जगह में क्या होगा, तो ये इसमें से खोज करके भरना है। ये दोनों साइड के लिए ले लेते हैं, क्या आसानी के लिए दोनों साइड का हम ले लेते हैं। वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं, या वीडियो को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा। ये इस तरह से है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि नया वीडियो आएगा तो आपको मैसेज चला जाएगा। सब्सक्राइब करने में कोई शुल्क नहीं लगता है। ये इस तरह से है, आगे ये देख सकते हैं 56 से 60 तक का, लगभग सभी टाइप्स के रीजनिंग का वीडियो मैंने बना दिया है, को आप देख सकते हैं। ये अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस टाइप के रीजनिंग का आपको दिक्कत हो रहा है तो हम उसको बनाएंगे। ये हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा
समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 57 तक देखिए आ गया है। इधर अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए है, अंग्रेजी में लिखा हुआ देख सकते हैं, वही चीज यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। निर्देश उधर दिया गया था, अब ये 61 से 70 तक के लिए निर्देश को पढ़ना है और इसको तो इस तरह से भरना है। थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। देख कितना आसान रीजनिंग पूछता है, ये 5 × 10, 7 × 14, 9 × 18 इस लगाया हुआ, इस तरह का भी है। ये देख सकते हैं। अब आगे ले चलता हूँ, 63 से आगे देखिए। ये इस तरह से है, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, या जिसको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकता हूँ, कमेंट कीजिएगा। इस तरह से है, ये 68 तक आपके हो गए। ये यहाँ से देखिए, ये इस तरह से है, 69 नंबर का देखिए किस तरह क्वेश्चन है। ये 70 देखिए इस तरह से है। अब इससे आगे देखिए और अलग तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। 71 से 80 तक ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सेट है। ये सेट हो गया 71 से 80 तक का, और ये देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें आपको पास करने के लिए कम से कम 35 से अधिक नंबर चाहिए होता है। सेट और मैट दोनों में पास करना अनिवार्य है, तभी आपको छात्रवृत्ति की राशि सालाना 12,000 रुपये 4 वर्षों तक मिलेगा। 9th क्लास से मिलना चालू होगा जो भी इसमें सफल होंगे। बिहार में 5,433 सीट है। 24 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम होना है, 15 जनवरी को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से है, देख सकते हैं। यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और हरा को नीला कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहाँ पीला को हरा कहा है इसलिए हरा होगा। ये देखिए इस तरह का है, हो गया ये 81 तक हो गया आपको। अब ये देख सकते हैं 82 से आगे, 83 या 84 हो गया, कुल 90 तक प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। 86 हो गया, 86 90, इसको देख सकते हैं। मैं एक बार इसको और दिखा देता हूँ, 86 से 90 तक का ये देख सकते हैं, ये इस साइड है, ये इस तरह से हो गया। ये 90 और ये आपका हो गया पूरा। रफ कार्ड के लिए इसी में जगह दिया रहता है, तो कुल 90 प्रश्न ये मैट का हो गया, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का हो गया। तो इसमें कुल 180 प्रश्न पूछा जाता है, तो जो आगे अब सेट में होगा 90 प्रश्न, तो ये देखिए राष्ट्रीय सह मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा 2020 शैक्षिक योग्यता परीक्षा के लिए है। ये वीडियो बड़ा हो रहा है, तो इसका वीडियो मैं, इस क्वेश्चन का वीडियो मैं अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। तब तक आप इसको बनाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।